हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार। होली पे लग रहा है चंद्र ग्रहण, ऐसे में होली की पूजा कैसे होगी और कैसे भगवान की सेवा होगी, तो आइए इसी बारे में जानते हैं। होली हिंदुओं का सबसे प्रमुख त्योहारों में से एक है। हर साल यह पर्व फागुन पूर्णिमा पर मनाया जाता है। ज्योतिषी मान्यताओं के अनुसार कई सफ़ेद चीज़ों चंद्रमा से जोड़कर देखा जाता है। ऐसे में यदि आप होली पर लग रही चंद्र ग्रहण के दिन कुछ चीज़ों का दान करें, इससे आपको कई फायदे देखने को मिल सकते हैं। इस साल फागुन माह की पूर्णिमा तिथि 25 मार्च को पड़ रही है, ऐसे में होली भी इसी दिन मनाई जाएगी। साथ ही इस बार होली पर चंद्र ग्रहण भी लग रहा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चंद्र ग्रहण के दौरान मंदिरों में पूजा पाठ नहीं किया जाता, ऐसे में मन में ही भगवान का स्मरण करना चाहिए। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना है कि चंद्र ग्रहण के दौरान घर के मंदिर में रखी देवी देवताओं की मूर्तियों को स्पर्श भी नहीं करना चाहिए, वरना उसे अशुभ परिणाम मिल सकते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रदेव से जुड़ी चीज़ों का दान करना शुभ होता है। ऐसे में आप होली पर चंद लग रही चंद्र ग्रहण के दौरान सफ़ेद चीज़ जैसे दूध, चावल और दही का दान कर सकते हैं। इससे जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। होली से एक दिन पहले होलिका दहन किया जाता है, इसके बाद होली का त्यौहार मनाया जाता है। होलिका दहन फागुन मास की पूर्णिमा के दिन किया जाता है। पंचांग के अनुसार इस साल फागुन मास की पूर्णिमा तिथि 24 मार्च को सुबह 9:54 पर शुरू होगी। यह 25 मार्च को दोपहर 12:29 पर समाप्त हो जाएगी। ऐसे में होलिका दहन 24 मार्च को किया जाएगा। 24 मार्च को होलिका दहन के दिन भद्रा लग रही हैं। उस दिन भद्रा का प्रारंभ सुबह 9:54 से ही हो रहा है, जो रात को 11:13 तक रहेगा। होलिका दहन का शुभ मुहूर्त 24 मार्च को रात 11:13 से 12:27 तक रहेगा। पूर्णिमा तिथि 24 और 25 दोनों दिन रहने वाली है। दरअसल रंगोत्सव प्रतिपदा तिथि में होता है। होली की तिथि को लेकर शास्त्रों में मत है कि होलिका दहन फागुन पूर्णिमा के दिन किया जाता है और अगले दिन रंगोत्सव मनाया जाता है। इस बार 24 मार्च को सुबह 9:56 पर पूर्णिमा तिथि आरंभ हो रही है और इसका समापन अगले दिन यानी 25 मार्च को प्रदोष काल से पहले ही हो रहा है। ऐसे में शास्त्रों का विधान है कि दोनों दिन में अगर पूर्णिमा तिथि हो तो पहले दिन अगर प्रदोष काल में पूर्णिमा तिथि लग रही है तो उसी दिन भद्रा रहित काल में होलिका दहन किया जाना चाहिए। इसी नियम के अनुसार इस बार 24 मार्च को होलिका दहन और अगले दिन 25 मार्च को रंगोत्सव का त्यौहार मनाया जाएगा। ज्योतिषी के मुताबिक चंद्र ग्रहण 25 मार्च को सुबह 10:30 से शुरू होगा, जो दोपहर 3:02 तक रहेगा। हालांकि भारत में यह चंद्र ग्रहण दिखाई नहीं देगा, लेकिन जब भी इस प्रकार का कोई खगोलीय घटना होता है तो उसका प्रभाव सारे ब्रह्मांड पर पड़ता है। वही सभी राशियां पर भी कहीं ना कहीं इसका प्रभाव देखा जाता है। तो इस बार जो 25 मार्च को चंद्र ग्रहण है, माना कि वो भारत में नहीं है, लेकिन चंद्र ग्रहण कहीं भी हो उसका सूतक तो हर जगह माना जाता है। वैसे ही यह चंद्र ग्रहण भारत में देखने को नहीं मिलेगा, वैसे चंद्र ग्रहण को भारत में नहीं देखा जा सकता, अतः इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। इसलिए आप निश्चिंत होकर होली के त्यौहार का आनंद ले सकते हैं और रंगों का आनंद ले सकते हैं, अपने पारंपरिक तौर तरीके के साथ होली का त्यौहार मना सकते हैं। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। होली त्यौहार की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।